पुणे महाराष्ट्र से ट्रेन के माध्यम से ऊना पहुंचे ज्वाली के 46 लोगों को ऊना से आगे सरकारी बसों में कोटला तक पहुंचाया गया, जहां उनको क्वारंटीन सेंटर राधा स्वामी सत्संग भवन कोटला में आइसोलेशन के लिए रखा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। बाद में ग्रीन व ऑरेंज जोन से आए 28 लोगों को होम क्वारंटीन के लिए बसों के जरिए ही भेजा गया। SDM ज्वाली सलीम आजम ने कहा कि अब मात्र रेड जोन से आए 18 लोगों को ही राधा स्वामी सत्संग भवन में आइसोलेट किया गया है। ऊना में कोना से ट्रेन आई और जिसमें हिमाचली लगभग 500 आदमी आया था, तो हमारे कोटला के लिए इन्होंने 46 जो ज्वाली सब डिवीजन के लोग थे वो 46 थे जो हमने कोटला क्वारंटीन सेंटर में डाले हैं। यहाँ पे हमारे एक क्वारंटीन सेंटर है राधा स्वामी सत्संग भवन, जिसमें हमने 24 आदमी डाले थे, और एक ये कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 22 आदमी आए थे और 3 बसेस में ये लोग आए थे। लेकिन जैसा कि डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो लोग ऑरेंज जोन के हैं और ग्रीन जोन के हैं उनको तो हम इन्हीं बसों में वापस उनके गाँव तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों वाले फैमिली है उसको भी हम वापस कर रहे हैं कि वो होम क्वारंटाइन के लिए ही उनको एडवाइस कर रहे हैं। और एक फैमिली है 5 आदमियों की जो कि होटल धुराधार में अपने कोस्ट पे रहना चाहते हैं, तो उनको भी हम भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो है वो अब 46 में से 19 लोग बच गए हैं जो रेड जोन के हैं, जो यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए राधा स्वामी सत्संग भवन में। और पूरा जो SOP है इसका COVID-19 का, जो वो फॉलो किया जाएगा, इनको प्रॉपर जो है वो सैनिटेशन का ख्याल रखा जाएगा, खाने का ख्याल रखा जाएगा, और सारी व्यवस्था जो भी है वो इनको मुहैया कराई जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अभी हो सकता है कि बहुत आने वाले टाइम में भी बहुत सी ट्रेन्स आ रही हैं जो हिमाचल के लोग वापस आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे जो हमने कैपेसिटी बनाई है 200 बेड्स की, उसमें ही इन लोगों को जैसे स्कूल है और रामतीर्थ सत्संग भवन है उसमें भी रखेंगे। तो जैसे कल जो है तेलंगाना की एक ट्रेन आ रही है, उसमें कुछ हिमाचली लोग आ रहे हैं जो ज्वाली के हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। और हमने देखा है आज जैसे बसेज आई हैं उनको हमने सैनिटाइज किया है, लोगों को जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले हैं वो उनके घरों तक पहुँचा के आएंगे। हम पूरा ख्याल इन लोगों का रखा जा रहा है कि ताकि कोई असुविधा ना हो। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।